Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. So friends, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुल्लू का हिडिम्बा मंदिर। आज हम जानेंगे हिडिम्बा देवी के बारे में, हिडिम्बा और मंदिर के बारे में जो कि कुल्लू में स्थित है। तो आज हम जानेंगे हिडिम्बा देवी की पूरी कहानी कि आखिर हिडिम्बा देवी कैसे बनी महाभारत की हिडिम्बा, जो कि राक्षसी थी, वो मनाली की कुल देवी किस तरह बनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हिडिम्बा मंदिर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो जान लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे इसकी स्टोरी के साथ। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ये कि हिडिम्बा देवी टेम्पल, लोकली नोन एज द ढोंगरी टेम्पल, तो ये बात याद रखिएगा, हिडिम्बा देवी टेम्पल जो है, जो हिडिम्बा देवी का मंदिर है, उसे लोकली किस नाम से जाना जाता है, ढोंगरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ढोंगरी टेम्पल याद रखिएगा। इट इज़ एन एंशियंट केव टेम्पल डेडिकेटेड टू हिडिम्बा देवी, ये हिडिम्बी देवी को डेडिकेटेड है, मतलब यहाँ पर हिडिम्बा देवी की पूजा की जाती है। The temple is surrounded by a cave forest called Dhongri Van Vihar at the foot of the Himalayas. जो जहाँ पर हमारा हिडिम्बा टेम्पल है उसे ढोंगरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ जुड़ता पूरा क्षेत्र जिसे ढोंगरी वन विहार कहा जाता है। जो ढोंगरी वन विहार है वो कुल्लू में है, और हिडिम्बा मंदिर या ढोंगरी जो टेम्पल मंदिर है उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र आता है, उसे ढोंगरी वन विहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर वॉज बोल्ट इन 1553 बाय महाराजा बहादुर सिंह। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया था हिडिम्बा मंदिर का 1553 में पूरा हुआ, जिसे महाराजा बहादुर सिंह द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता है इम्पॉर्टेंट, ढोंगरी मेला यहाँ पर लगता है। ढोंगरी मेला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ पर लगता है, कुल्लू में लगता है, ढोंगरी वन बिहार के आसपास लगता है। और ये किस प्रकार का मंदिर है, तो ये पैगोडा शैली का मंदिर है। पैगोडा शैली जो ये टाइप है मंदिर का, वो पैगोडा शैली में ये मंदिर बना हुआ है, हिडिम्बा देवी का मंदिर। आप यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर है, ये पैगोडा शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है, हिडिम्बा मैरिड भीमा एंड गेव बर्थ टू देयर सन घटोत्कच। तो हिडिम्बा जो थी वो भीम की पत्नी थी, और उनका जो पुत्र था वो घटोत्कच था। तो चलिए अब ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हिडिम्बा टेम्पल के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है हिडिम्बा टेम्पल से रिलेटेड जो ये इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वो पूछी जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हिडिम्बा जो कि महाभारत के समय की एक राक्षसी थी, वो मनाली की कुल देवी किस तरह से बनी। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली में स्थित हिडिम्बा देवी का मंदिर है। जो हिडिम्बा देवी का मंदिर वो कुल्लू में है, इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। शायद इससे आप वाकिफ ना हो, आपको इसी मंदिर के इतिहास से मैं आज रूबरू करवा रहा हूँ। आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब जुए में सब कुछ हारने पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को वर्णावत नामक स्थान पर भेज दिया था, तो उन्हें वहां पर जीवित जला देने की योजना बनाई गई थी। पांडवों के रहने के लिए पूरा महल लाख का बनाया गया था, जो जरा सी आग लगते ही जल उठे। पांडव किसी तरह इस साजिश का पता लगा लेते हैं, और रात के भीतर ही भीतर एक सुरंग खोद निकालते हैं, जहाँ से वो निकल कर गंगा तट पर आ जाते हैं। तो कौरव यही सोचते रहे कि पांडवों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ से बच निकलने के बाद पांडव कौरवों की नज़रों से बचने के लिए जंगल में वनवास काटते रहे। इसी दौरान जंगल में चलते चलते एक राक्षस के क्षेत्र में आ गए, जो कि क्षेत्र था राक्षस हिडिम्ब का। राक्षस हिडिम्ब के क्षेत्र में पहुँच गए, सभी थके हुए थे, उन्हें प्यास भी लगी थी। महाबली ही भीम जो है वह पानी लेने गए। जब वो पानी लेकर वापस आए तो वो देखते हैं कि माता कुंती सहित सभी भाई थककर सो चुके हैं। भीम इस तरह अपनी माता और भाइयों को जंगल में जमीन पर सोते देख बहुत दुखी हुए। उस जंगल में हिडिम्ब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिम्बा सहित रहता था। तो हिडिम्ब नाम का राक्षस था, वो अपनी बहन हिडिम्बा के साथ वहाँ रहता था।
हिडिंब ने अपनी बहन, जो राक्षस था हिडिंब, जब उसने अपनी बहन हिडिंबा को जंगल में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, तो वहाँ पर हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को वहाँ पर देखा। इस राक्षसी को भीम को देखते ही उससे प्रेम हो गया, इस कारण इसने उन सबको नहीं मारा, जो हिडिंब को बहुत बुरा लगा। फिर क्रोधित होकर हिडिंब ने पांडवों पर हमला किया। हिडिंब और भीम में काफ़ी देर तक जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हिडिंब को मार गिराया। हिडिंबा भीम को चाहती थी, उसने भीम को शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीम ने विवाह करने से मना कर दिया। इस पर माता कुंती ने भीम को समझाया कि इसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसीलिए तुम हिडिंबा से विवाह कर लो। कुंती की आज्ञा से हिडिंबा और भीम का विवाह हो जाता है। इन्हें घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। तो इनका जो पुत्र था वो घटोत्कच हुआ था, जिसने महाभारत की लड़ाई में अत्यंत वीरता दिखाई थी। उसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रजाल का वरदान प्राप्त किया था, जिसे काला जादू भी कहा जाता है। इंद्रजाल यानी काला जादू। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को इंद्रजाल का वरदान प्राप्त किया था। अब उसके चक्रव्यूह को सिर्फ खुद भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। जो घटोत्कच का चक्रव्यूह था उसे सिर्फ खुद भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। पांडव पुत्र भीम से विवाह करने के बाद हिडिंबा राक्षसी नहीं रही, वह एक मानवी बन गई और कालांतर में मानवी से देवी बन गई। हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी रहा हो, जिस स्थान पर उसका देवीकरण हुआ वह मनाली ही है। मनाली में देवी हिडिंबा का मंदिर बहुत भव्य है और कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसीलिए देवी को ढूंगरी देवी भी कहा जाता है। तो जो हिडिंबा देवी थी उसे ढूंगरी देवी भी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो हिडिंबा देवी को हिडिंबा देवी ने भिंगमणि को वरदान दिया था। यह मंदिर मनाली के निकट विशालकाय देवदार वृक्षों के मध्य चार छतों वाला पैगोडा शैली का है। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। दीवारें परंपरागत पहाड़ी शैली से बनी है। प्रवेश द्वार जो है वह कठनकाष्ठी के उत्कृष्ट नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ने हिडिंबा को लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित किया। भीमणिपाल को कुल्लू के शासक होने का वरदान हिडिंबा देवी ने ही दिया था। वह कुल्लू के पहले शासक भीमणिपाल की दादी और कुल की देवी भी कहलाती है। कुल्लू का दशहरा तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि हिडिंबा वहाँ ना पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हिडिंबा देवी की पूरी कहानी कि आखिरकार वह एक राक्षसी से किस प्रकार कुल्लू की कुल देवी बन गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई आपको, अगर आपको हिडिंबा देवी की कहानी पसंद आई, हिडिंबा मंदिर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।